সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। गाइस सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू गेंदा फूल। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत ही सारा प्यार मिल रहा है, यू नो स्पेशली फ्रॉम ऑल द बंगाली पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू नो अराउंड द वर्ल्ड कहाँ कहाँ गाना ट्रेंडिंग है। मैंने अभी स्टोरी पे भी लगाया था, प्लेसेस जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, सऊदी अरेबिया, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, जापान, सारी जगह पे गाना ट्रेंड कर रहा था। एंड थैंक यू सो मच सब, यू नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, स्पेशली द लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द बंगाली पीपल अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, इट्स इट फील्स अमेजिंग, इट आई फील ब्लेस्ड। ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग, गाने के रिलीज के एक दो दिन बाद थ्रू सोशल मीडिया हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि जो गाने में हमने दो लाइंस जो यूज़ की हैं, फोक लाइंस, जो कि हमें पता था, हमें नॉलेज थी कि वो फोक हैं, बंगाली फोक लाइंस आर रिटन बाय वेरी फेमस, अ वेरी सीनियर बंगाली फोक आर्टिस्ट बाय द नेम ऑफ मिस्टर रतन काहर। गाने के एक दो दिन बाद मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू ये ऑफकोर्स खबरें मिलनी शुरू हो गई, टैग्स लगने शुरू हो गए, एंड देन फिर मैंने जाके चेक किया क्योंकि मुझे पता था कि ये फोक है, तो मैंने यूट्यूब पे जाके और वीडियोस चेक किए जहाँ पे ये गाना पहले रिक्रिएट हुआ है, बैक इन द ईयर 2018, और उससे पहले भी बहुत सारे इस गाने के रिक्रिएशंस हो रखे हैं, जहाँ पे मैंने लिरिक्स में क्रेडिट चेक किए जहाँ पे कहीं रतन काहर जी का नाम मेंशन नहीं था। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर आर्टिस्ट सोसाइटीज होती हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे आर्टिस्ट के क्रेडिट्स स्टोर किए जाते हैं पूरे इंडिया के, मैंने अपने लेबल को कहा कि हम वो चेक करते हैं, क्या पता वहाँ पर उनका नाम हो। तो एंड इसीलिए काफ़ी देर भी लग गई क्योंकि देयर इज अ कंट्री वाइड लॉकडाउन दैट्स हैपनिंग, तो हमें रिकॉर्ड्स गो थ्रू करने में काफ़ी टाइम लगा टू फाइंड इफ रतन काहर जी का वहाँ नाम है या नहीं है। वहाँ पर कहीं उनका नाम हमें नहीं मिला इस गाने के क्रेडिट को, तो यू नो वी जस्ट ट्राइंग टू वैलिडेट कि ये गाना क्या सच में उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा। बट देन काफ़ी लोग मुझे टैग करने लग गए, यू नो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जहाँ रतन काहर जी का इंटरव्यू है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने गाना लिखा है। बट टू मी एज पर द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, इट्स अ बंगाली फोक सॉन्ग, फोक इज पीपल, जो बंगाल के लोगों का, कलेक्टिवली बंगाल के लोगों का गाना है। बट हैविंग सेड दैट, जिन लोगों ने भी मुझे ट्वीट किया, जिन लोगों ने भी ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो भी उनके वेल विशेज हैं रतन काहर जी, आई एम श्योर ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। सी, मैं पंजाब से हूँ और हम यू नो आई लव कल्चर, हमें कल्चर से बहुत प्यार है, चाहे वो बंगाली कल्चर हो, चाहे गुजराती कल्चर हो, चाहे पंजाबी कल्चर हो, एंड एज एन आर्टिस्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो it's such a beautiful composition, it's such a beautiful piece of music, I just wanted to put it, sample it in a song, and you know main chahta tha ki puri duniya isko sune, you know aaj shayad hum is muqam pe hain ki log hamare gaane sunte hain, and maine kai jagah padha jahan pe gaane already hain wahan pe bhi likha hai we are here because of Badsha, but that's all love जो ये दैट्स ऑल योर लव, दैट्स वो सब आपका प्यार है, बट यू नो एज एन आर्टिस्ट, एज अ पीपल्स आर्टिस्ट, आई हैव ऑलवेज लव्ड फोक, एंड यू नो सो ऑन आई मीन यू नो थ्रू यू गाइज, थ्रू पीपल हु मेड दिस डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जहाँ पे रतन काहर जी का इंटरव्यू दिया हुआ है, जो लोग मुझे ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने क्रेडिट नहीं दिया उनको, जो जितने भी लोग हैं, आई'd लाइक ऑल ऑफ यू ऑल टू रीच आउट टू मिस्टर रतन काहर एंड टेल हिम दैट आई एम हियर, आप मुझ तक पहुंचे, या जो भी उनके वेल विशर हैं, यू नो दे कम मुझे बताएं, आई वुड लव टू हेल्प हिम, यू नो आई हैव हर्ड ही स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली राइट नाउ, यू नो एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द फ्रेटर्निटी टू हेल्प सच फोक आर्टिस्ट, आई एम राइट हियर, आई'd लव टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे पॉसिबल, ऑन जस्ट ह्यूमैनिटेरियन आर्टिस्टिक ग्राउंड्स, मैन इट्स मतलब मैं चाहता हूँ कि उनकी
उनकी आई थिंक उनकी बेटी की एजुकेशन के पैसे जो कुछ भी है आई वुड लव टू जो भी मेरे बस में होगा भगवान ने जितना भी मेरे को इस काबिल रखा है आई'd लव टू हेल्प हिम बट एज ऑफ नाउ एज पर द रिकॉर्ड्स इट्स अ बंगाली फोक सॉन्ग सो कहीं ये है नहीं कि रतन कहार जी ने लिखा है बट हैविंग सेड दैट आई एम एन आर्टिस्ट आई नो हाउ इट फील्स बट यू नो जो कुछ भी मुझसे होगा जो कुछ भी मेरे बस का होगा आई'ड लव टू हेल्प हिम आई'ड लव टू लाइक ये इस कहने की बात भी नहीं है मुझे थोड़ा टाइम इतना लगा बिकॉज वी जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट द सिचुएशन इज सो थ्रू यू गाइज थ्रू एवरीबडी हूज ट्वीटिंग मी जो भी मुझे ट्वीट कर रहे हैं जिन्होंने भी उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं जो भी उनके वेल विशेज हैं प्लीज उन तक अगर रत्नकार जी ये मैसेज देख रहे हैं आई एम राइट हियर आप जो आपको जो चाहिए एज आर्टिस्ट एंड आई यू नो आई हैव नो क्वाल्म्स इन डूइंग सो यू नो अगर लॉकडाउन शायद नहीं होता तो आज मैं आपके पास आता खुद बट या दैट्स जस्ट माई रिक्वेस्ट यू गाइज आई मीन और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यू नो क्रेडिट लिया ऐसा कुछ नहीं है वी वर्कड एक तरीका होता है हर गाने को बनाने का उस तरीके से हम चले हैं और उसी तरीके को हमने फॉलो किया एज ऑफ नाउ इट्स अ बंगाली फोक सॉन्ग फोक इज द पीपल जो बंगाली लोगों का गाना है एंड इट बिलोंग्स टू द फोक और वही चीज हमने वहां लिखा भी है क्रेडिट्स में मेंशन भी किया ओरिजिनल लिरिक्स बंगाली फोक और वही हर वीडियो पे जहां पे भी गेंदा फूल जब भी रिक्रिएशन हुआ है वही लिखा है बंगाली फोक कहीं भी रत्नकार जी का नाम नहीं है अगर एक जगह भी होता वी वुड हैव हमें इट्स व्हाई वुडंट वी डू इट इट्स जस्ट टू लाइंस व्हाई वुडंट वी डू इट जब हमने हर किसी का नाम मेंशन किया एंड आई पर्सनली मेक श्योर कि हर किसी का नाम मेंशन हो जो जो जिसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे प्रोडक्ट में चाहे वो वीडियो है चाहे ऑडियो है एवरीबडी इज मेंशन देयर हर किसी का नाम वहां पे मेंशन किया चाहे वो तापस दाय है जिन्होंने जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन किया चाहे वो दित्य देव है जिन्होंने म्यूजिकल अरेंजमेंट्स किए कोई भी है वीडियो ऑडियो हुएवर सबका नाम मेंशन किया है बट या लाइक दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस But thank you so much, guys. I mean, it's such a beautiful culture, Bengali culture. मैं जब भी मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी मैंने कोलकाता में एक क्लब में एक छोटा सा शो किया था Whenever, जब भी मैं गया हूँ बंगाल या जब भी मैं बंगाली लोगों से अराउंड द वर्ल्ड में मिलता हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है आई कैन नॉट टेल यू आई फील लाइक आई एम होम लाइक मेरा गाना ये इट इज़ अ फैक्ट मतलब मेरा गाना सबसे पहले कोलकाता में हिट होता है चाहे वो पंजाबी गाना हो चाहे हिंदी गाना हो चाहे हरियाणवी गाना हो मतलब मेरा गाना हमेशा पहले वहाँ सुना जाता है एंड आई एम इन लव विद द कल्चर इट्स सो कलरफुल इट्स सो अमेजिंग जस्ट लाइक पंजाब और जस्ट लाइक यू नो राजस्थान और गुजरात जैसा हर इंडिया का जैसा कल्चर है बट या गाइस दैट इज ऑल आई हैड टू से इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ये सब प्रॉब्लम हो रही है बट थैंक यू सो मच आप लोग गाने को बहुत प्यार दे रहे हैं एंड यू नो गाना पूरी दुनिया में फैल रहा है ये बंगाली लाइंस लोगों को समझ नहीं आ रही है फिर भी वो गा रहे हैं यू नो फिर विद देयर ट्राइंग टू सिंग दे मेकिंग टिकटॉक्स दे मेकिंग देयर फैमिलीज डांस टू इट यू नो देयर सिटिंग एट होम एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग यू नो आई एम गेटिंग मेरे को टिकटॉक आ रहे हैं यूएस से ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस से लोग अपने घर में इस गाने पर डांस कर रहे हैं दे डोंट नो व्हाट हम गा क्या रहे हैं लेकिन देर एंजॉइंग इट बट या थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड वंस अगेन आई'ड लाइक टू रीच आउट टू मिस्टर रतन कहार थ्रू ऑल ऑफ यू गाइज अगर आप लोग उनको जानते हैं या रतन कहार खुद अगर ये वीडियो देखें आई एम राइट हियर सर इट इज माई ड्यूटी इट वुड बी माई ऑनर माई प्लेजर टू हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल सर Thank you so much, guys. Thank you so much to all those people who've supported me. Thank you. Take care, guys. Just stay home. Stay safe. हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको गाने देते रहें आपको एंटरटेन करते रहें थोड़े दिन की बात और है यू नो टुगेदर वी कैन विन दिस फाइट एंड ऑल्सो पी एम केयर फंड में मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है जितना मुझसे हो सकता था I request you all, I encourage you all to contribute as much as you can, you know, just
I think we need each other more than ever right now. Together we can fight this and we can win this. Thank you so much, guys. Love you. Take care.